कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारहाट में गोष्ठी का किया गया था आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24x7 न्यूज। आपको बता दें कि कल बुधवार को द्वारहाट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा प्रेमचंद की जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर नाजिश खान ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अपनी रचनाओं की प्रासंगिकता के कारण सदा जीवित हैं। वहीं आपको बता दें कि समाज शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर अंचलेश कुमार ने प्रेमचंद जयंती मनाए जाने को साहित्यिक चेतना का एक माध्यम बताया है। वहीं अर्थशास्त्र विभाग की डॉक्टर उपासना शर्मा ने छात्र छात्राओं का आह्वान करते हुए मुंशी प्रेमचंद के विचारों पर चलने को कहा। वह राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर शैलेंद्र ने उर्दू और हिंदी हिंदुस्तानी के परिक्षेप में अपने विचार रखे। वहीं रसायन विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने गोदान के नायक होरी का संदर्भ लेकर मजदूर किसान की पीड़ा को प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में शामिल किया है, इस बात पर प्रकाश डाला। और आपको बता दें कि विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने प्रेमचंद की प्रासंगिकता और रचना क्रम पर प्रकाश डाला। वहीं वनस्पति विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विपिन सुयाल ने प्रेमचंद के आदर्शों पर चलने को कहा। वहीं शोध छात्र भूपेंद्र कंडारी ने प्रेमचंद को गरीब किसानों का मसीहा बताया। वहीं स्नातक की छात्राओं गीता, कोमल, रुचि, जानवी आदि ने प्रेमचंद के जीवन प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। देखिए पूरी खबर भूपेंद्र कंडारी की यूके 24x7 के लिए अल्मोड़ा से। नमस्कार, आज हम हैं राजकीय महाविद्यालय द्वारहाट में। द्वारहाट में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर हिंदी विभाग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और यहां पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमचंद दुबे जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि किस प्रकार की यह संगोष्ठी थी। कार्यक्रम के रूप में एक साहित्यिक जो गोष्ठी हुई वो मुंशी प्रेमचंद जी की, जो आज जयंती मनाई जा रही है सभी जगह 31 जुलाई को। तो एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रेमचंद जी हैं और वे कथा सम्राट भी हैं, उपन्यास सम्राट भी हैं। तो उन्होंने लगभग जो आम आदमी है, जो हमारे ग्रामीण परिवेश में रहता है या शहरी परिवेश में रहता है, आम आदमी की पीड़ा को, आम आदमी के संघर्ष को वाणी दी है और उसे अपने कहानियों में और अपनी रचनाओं में भली भांति से पिरोया है। तो आप कोई भी उनकी रचना ले लीजिए, जो रचनाएँ पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं प्राथमिक कक्षाओं से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक, प्रेमचंद सदा प्रासंगिक हैं। इसलिए हम प्रेमचंद जी को हमेशा एक प्रासंगिक रचनाकार मानते हैं उनकी रचनाशीलता के लिए। और आज यहाँ पर जो द्वाराहाट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट के हिंदी विभाग के तत्वावधान में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लगभग छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और हमारे स्टाफ के भी यहाँ पर प्राध्यापक गण मौजूद थे और उन्होंने भी अपने यहाँ पर विचार रखे, प्रेमचंद के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला, उनकी रचनाओं में, उनके उपन्यासों में किस प्रकार से जीवंतता है और एक आम आदमी के जीवन में किस प्रकार से कठिनाइयाँ होती हैं जो बोलती हैं पूरी रचनाएँ उनकी। तो उनका हमने यहाँ पर एक किस्म से अनुशीलन किया और उसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण भी देखा और सारे बच्चों ने भी यहाँ पर प्रतिभाग करके प्रेमचंद की रचनाओं पर। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं यूके 24x7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।